नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यामाहा फ़ोन का अपडेट कैसे करते हैं और अपडेट के क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, और अपडेट में क्या क्या नई वाली सेटिंग्स फ़ोन में इंस्टॉल होती है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है अबाउट फ़ोन का, उस पर अपडेट आ चुका है। दोस्तों देखिए, आप वहाँ पे वन लिखा हुआ मतलब एक अपडेट आ चुका है, मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। दोस्तों आपको जाना है सिस्टम अपडेट पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चेकिंग हो रहा है, चेकिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी बताया जा रहा है नेचुरल साउंड में साउंड सिस्टम में कुछ चेंजिंग किए जाएंगे और अदर इम्पोर्टमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को भी बदला जाएगा। फास्ट तरीके से फ़ोन चलेगा और डिज़ाइन एंड फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मतलब उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे दोस्तों, और नए वाले कुछ टूल भी आ जाएगी दोस्तों, ऐसा बोला जा रहा है। अभी अपडेट लग चुका है, यहाँ से आप अपडेट को स्टॉप कर सकते हो और यहाँ से आप अपडेट को वापस ला सकते हो। इस तरह से आपको अपडेट पर क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपडेट डाउनलोड पर क्लिक कर देना पड़ता है। मैंने पहले से अपडेट डाउनलोड किया था तो आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ 85% आ चुका है, मेरा अपडेट आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अपडेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों अपडेट को इंस्टॉल कर देना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ होने के बाद आपके फ़ोन में अपडेट इंस्टॉल होने लगेंगे दोस्तों, और आपका फ़ोन 20 या 10 या 20 मिनट में ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो और अपने फ़ोन में आप न्यू एक्सपीरियंस करोगे तब कुछ ना कुछ सेटिंग्स चेंजिंग होगी और फ़ोन और बेहतर बन जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों।